नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम पेज सेटअप कैसे करते हैं और पेज सेटअप के लिए हम किन किन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, आप उस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम पेज सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप करने से पहले कुछ खास बातें हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। तो चलिए उन बातों को पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में आपको जो दिखाई दे रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक पेज है और इस पेज में जो है वो अलग अलग टैब और बटन दिए हुए हैं और उन सभी बटनों का नाम आपको आना चाहिए। ये आप जल्दी से कॉपी पे इसका जो नेम है, किस बटन का क्या नाम है या फिर किस टैब का क्या नाम है, तो जल्दी से आप इस नेम को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर हम लोग शुरू करेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज का सेटअप कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पेज सेटअप से हम क्या कर सकते हैं। तो पेज सेटअप का इस्तेमाल हम पेज में मार्जिन, गटर, ओरिएंटेशन, पेपर का साइज और हेडर और फुटर सेटिंग करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम पेज सेटअप का स्टेप की बात करें तो सबसे पहले हमें पेज लेआउट टैब में जाना होता है, फिर पेज सेटअप ग्रुप में जाना होता है और फिर क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर। अगर आप डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज पे कि यहाँ पर जो छोटा सा निशान है उसे ही हम डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर कहते हैं। पेज सेटअप करना किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम एक डॉक्यूमेंट में पेज का सेटअप नहीं करेंगे तो अगर हम उस पेज का प्रिंटआउट लेते हैं तो प्रिंटआउट सही से नहीं आएगा। तो पेज सेटअप जो है इसके लिए ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं पेज सेटअप हम लोग कैसे करते हैं। तो पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे और पेज लेआउट टैब में जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं नीचे पेज सेटअप ग्रुप का एक ऑप्शन आ गया है और ऑप्शन के बगल में यहाँ एक छोटा सा निशान बना हुआ है जिसे कि हम लोग डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर कहते हैं। दोस्तों, पेज सेटअप हम यहाँ बाहर दिए गए ऑप्शन से ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास ऑप्शन जो होते हैं वो बाहर में नहीं हैं, वो कि आपको यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर में देखते हैं कि पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग बाहर वाले ऑप्शन पे भी इसके बाद हम लोग बाहर वाले ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि हम लोग बाहरी मेनू से पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेज सेटअप करने से पहले यहाँ हम कुछ टेक्स्ट जो है वो इंटर कर लेते हैं ताकि पेज सेटअप में जो है वो सुविधा हो और आपको समझ में आए। उसके लिए हम इक्वल टू लोरेम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर लोरेम लिखा और एक ओपन ब्रैकेट लिया और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 और 10 लिखने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, इक्वल टू लोरेम का जो ऑप्शन है ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके जरिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो आ जाता है और हमें टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इक्वल टू लोरेम और बीच में 10 मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर 10 पैराग्राफ आएंगे, इसीलिए हमने वहाँ पर 10 लिखा था। आप वहाँ पर अगर 1 लिखेंगे तो एक ही पैराग्राफ आपको दिखाई देगा, आप जितना भी वहाँ पर लिखेंगे उतना पैराग्राफ आपको नज़र आएगा। तो चलिए, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करना अनिवार्य था तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया है। बस यहाँ पर मैंने इसीलिए इस टेक्स्ट को टाइप किया है ताकि आप जो है वो प्रैक्टिकल को समझ पाएँ। तो चलिए जल्दी से हम पेज लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप और डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर में फाइनली क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो चुका है जो कि पेज सेटअप के लिए है। अब जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन दोस्तों पेज के चारों तरफ छोड़ने वाला एक स्पेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट।
दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको कि हम लोग गटर कहते हैं। गटर क्या होता है? तो बुक बाइंडिंग के दौरान जो बुक राइटर है वो पेज में जो है वो कुछ स्पेस जो है एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ताकि जब बुक का बाइंडिंग किया जाए तो जो लेटर है लिखा हुआ वो किसी प्रकार से दबे नहीं। तो जब हम लोग बुक का सिलाई करते हैं तो ध्यान देते हैं कि बुक हमेशा लेफ्ट में सिलाई करते हैं या फिर टॉप में सिलाई करते हैं। तो गटर का जो पोजीशन होता है वो दो होता है, एक लेफ्ट और एक टॉप। तो चलिए हम अब इस टॉप मार्जिन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर वाले बटन से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं, और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं यानी कि घटा सकते हैं मार्जिन को। तो चलिए पहले इसको हम बढ़ाते हैं। अब जो भी यहाँ पर हम अभी बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रीव्यू होगा, पेज प्रीव्यू, वो आपको यहाँ पे नीचे पे शो करेगा। तो चलिए इसको हम बढ़ाते हैं, और इसको मैंने ढाई तीन तीन करके इसको छोड़ते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे तीन किया, आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो जो है एक इस 3 इंच का स्पेस के बाद से शुरू होगा। अगर हम इसे अप्लाई करके देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या आता है इस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेस बन गया है, और इसकी दूरी कितनी है तो 3 इंच है। चलिए वापस से हम डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर पे आते हैं और इस दूरी को कम कर देते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। डिफ़ॉल्ट 1 इंच का होता है। चलिए हमने इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दिया। अब हम बॉटम पे चेक कर लेते हैं। तो जब हम बॉटम पे इंक्रीज करेंगे इसका साइज़ को, तो आप देख सकते हैं जो प्रीव्यू होगा वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बॉटम में भी नीचे जो है वो स्पेस आ गया है। तो वापस से हम इसको भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट 1 इंच का होता है, हमने इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब हम लेफ़्ट में भी इसको करके देखते हैं, तो आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो स्पेस है वो जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह से हम राइट में भी चाहें तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में आपका मार्जिन कम से कम रखना है और आपको प्रिंटआउट जो है वो उसी पेज पे आना है, तो उसके लिए आपको पेज सेटअप करना अनिवार्य होगा। अगर आप पेज सेटअप नहीं करेंगे तो एक पेज प्रिंटआउट की जगह पे आपको 2 पेज प्रिंटआउट करना पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गटर का पोजिशन हम लोग कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गटर गटर आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक लाइन नज़र आएगा। अब चलिए इसको पहले इंक्रीज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा इंक्रीज करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि ब्लैक कलर का जो यहाँ पर एक लाइन है, एक स्पेस है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि गटर कहलाता है। तो सबसे अच्छा होता है गटर 0.5, यानी कि 0. वापस हम इसको कम कर रहे हैं, इसको हम 0.5 पे रख देते हैं, क्योंकि ये जो है एक सेपरेट है, इतना काफ़ी होता है 0.5 बुक बाइंडर के लिए। तो अब हम देखते हैं इसका पोजीशन। अभी ये क्या है, लेफ्ट में है, हम चाहें तो इसे टॉप में भी सेट कर सकते हैं, और ख़ास करके गटर जो होता है या तो टॉप या तो लेफ्ट पे ही सेट किया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मार्जिन जो है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट और साथ ही साथ गटर को भी इस्तेमाल करके हम लोगों ने देखा। अब हम आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होता है वो पेपर जो है किस प्रकार से आप प्रिंट लेना चाहते हैं। अगर आप पेज को सीधा प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पोर्ट्रेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आप पेज को लैंडस्केप यानी कि चपटा प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आपको लैंडस्केप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ जैसे ही लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्लिक कर रहे हैं, आप यहाँ प्रीव्यू पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हमने लैंडस्केप पे क्लिक करके ओके किया तो आप देख सकते हैं पेज का जो आकार है वो थोड़ा चपटा दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। वापस से हम डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर पे जाते हैं और पोर्ट्रेट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसे ओके करते हैं। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, पेज जो है, पेज का जो आकार है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधा हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम पेज पे ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेपर पे। हम पेपर पे क्लिक करके पेपर का जो साइज होता है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक विड्थ का है और एक हाइट का है, ये जो दोनों ऑप्शन है, जैसे ही हम पेज, कोई भी पेज यहाँ पे लें, ये जो
विड्थ और हाइट है ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाता है, यहाँ हमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कितने तरह के पेज होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लेटर का, फिर है टॉबलॉइड का, अंसी का, यूएस लीगल, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मार्केट में जो पेपर होता है जो कि हम लोग नॉर्मली प्रिंटआउट में इस्तेमाल करते हैं, उस पेपर को हम लोग ए फोर साइज कहते हैं, यानी कि उसका साइज जो होता है वो ए फोर होता है। तो यहाँ से जो है हम ए फोर पेज को क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ए फोर है। तो जैसे ही हमने ए फोर पर क्लिक किया, इसका विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, आप देख सकते हैं इस पेज में जो है इसमें मार्जिन सेट हो चुका है और पेज के चारों तरफ एक इंच का मार्जिन सेट हो गया है। तो इस प्रकार से हम एक पेज में, डॉक्यूमेंट पेज में मार्जिन सेट करते हैं। दोस्तों अगर आप बाहर वाले ऑप्शन पे अब हम क्लिक करके देखते हैं, तो पेज लेआउट मार्जिन, मार्जिन में क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ मार्जिन जो है वो पहले से बनाए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं कि जो इसका जो दूरी है, जो इंचेस है, वो ऑलरेडी जो है वो पहले से सेट है। हम इसमें किसी में भी क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेज में जो है जो मार्जिन है 0.5 इंच का सेट हो गया है। तो यहाँ प्री बिल्ट रहता है, मतलब यहाँ प्री पहले से जो है, यहाँ जो है वो पहले से मार्जिन सेट होता है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं ओरिएंटेशन। यहाँ जैसे कि हमने डायलॉग बॉक्स ऑफ लॉन्चर में देखा, उसी प्रकार का ओरिएंटेशन यहाँ बाहर में ही दिया हुआ है। हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन बाहर से ही सिलेक्ट कर सकते हैं और पेज में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ साइज का ऑप्शन पे अगर हम आएंगे, तो सभी तरह के पेज का जो साइज यहाँ पे बना हुआ है, हम चाहे किसी भी ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं और उस प्रकार का पेज जो है यहाँ पर ये बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम A4 ही रहने देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक डॉक्यूमेंट पेज में जो है वो मार्जिन अप्लाई करते हैं। अब हम लोग मार्जिन के साथ साथ देखते हैं कि इस पेज में हम लोग मेजरमेंट यूनिट को कैसे सेट करेंगे, ये मेजरमेंट यूनिट आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आप जब इस डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर में देखेंगे, तो यहाँ आपको इंच दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप में और लेफ्ट दोनों तरफ है। तो इस इंच यानी इस मापी को जो है वो हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिकास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम वर्ड ऑप्शन पर आएंगे। वर्ड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस विंडो पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इधर वाले ऑप्शन को हम लोग टैब कहते हैं और इधर वाले ऑप्शन को ग्रुप कहते हैं। अब बात करेंगे पॉपुलर टैब का, तो पॉपुलर टैब में दो ग्रुप है, एक ग्रुप है ये और दूसरा ग्रुप है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सॉरी हमें यहाँ पर एडवांस टैब में क्लिक करना है। एडवांस टैब में क्लिक करने के बाद सबसे शुरू वाला जो ऑप्शन होता है एडिटिंग ग्रुप, फिर आता है कट कॉपी एंड पेस्ट ग्रुप। अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक जगह दिखेगा डिस्प्ले ग्रुप, और डिस्प्ले ग्रुप के अंदर आपको शो मेजरमेंट यूनिट का ऑप्शन रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर इंच का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में करते हैं और ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो स्केल था ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि 0 से लेकर के 18 तक है। अगर हम इसको पिकास में बदलना चाहें, तो उसके लिए ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, वापस से हमें जाना है एडवांस टैब, और इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है हमें डिस्प्ले ग्रुप में, और यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह हम इसको कर देंगे पिकास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलीमीटर, पॉइंट और पिकास का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से जो स्केल जो है वो पिकास में कन्वर्ट हो गया है। तो वापस से हम इसको इंच में कर देते हैं, वापस से हमने इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस प्रकार से आप चाहे कोई भी किसी भी तरह का आर्टिकल्स लिखें, या फिर स्टोरी लिखें, या न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखें, या बुक लिखें, तो सबसे ज़रूरी काम है कि आप पहले पेज का सेटअप कर लें। पेज का सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है आपका प्रिंटआउट या फिर प्रिंट प्रीव्यू जो है वो सही नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।